सो अभी हम देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, हमारे पास कैसा भी ग्राफ है तो हमें उसे क्या कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट में हमें ग्राफ को कन्वर्ट करना है। तो दो टाइप के होते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, पहला आता है एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ और दूसरा आता है इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ। तो पहले देखेंगे हम एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ। ये कहता है लेट जी इज कॉमा वी कॉमा ई बी एनी ग्राफ, कोई भी हमारे पास ग्राफ है उसके पास एन वर्टाइसिस है, तो इसको जो डिनोट करते हैं वो ए ऑफ जी से डिनोट करते हैं और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा जितने इसने एलिमेंट नंबर्स कंटेंट किए ना वर्टाइसिस उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स बनता है। मतलब मान लीजिए इसने तीन वर्टाइसिस कंटेंट किए तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, चार वर्टाइसिस कंटेंट किए तो 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। एक तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और उस आई जेथ एंट्री इज गिवन बाय द नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग वी आई टू वी जे, जिसकी आई जे एंट्रीज जो होती है ना, मतलब हर एक एलिमेंट्स की आई जेथ एंट्री वो नंबर ऑफ एजेस होती है फ्रॉम वी आई टू वी जे। अभी की एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि एडजेंसी ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ग्राफ दे दिया आपको, कैसा भी ग्राफ। सबसे पहला स्टेप होता है कभी आपको हमें ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है जिसके पास टोटल वर्टाइसिस कितने हैं, हमारे पास टोटल वर्टाइसिस चार है। इसको नेम दे देते हैं V1, V2, V3, V4। हमें ये ग्राफ दिया हुआ है जी, तो ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, उसका बोला गया है कि इसका हमें एडजेंसी मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजेंसी मैट्रिक्स डिनोट होता है ए ऑफ जी, तो हमें मिलेगा 4x4 का मिलेगा क्योंकि चार वर्टाइसिस है, तो 4x4 का मिलेगा 1, 2, 3, 4, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो जो ऑर्डर होगा उसका 4x4 होगा। आपको पता है मैट्रिक्स का ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स है उसका वे क्या है। इसका कहते हैं इसको हम कहते हैं V11 फ्रॉम V12, V13, V14। इसका मतलब क्या कि जो हमारा रो वन है, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम थ्री, रो वन कॉलम फोर, उसी तरह अब हम नेक्स्ट रो में आ गए तो रो टू में आ गए, इसे रो टू कहते हैं, इसे रो थ्री कहेंगे, इसे रो फोर कहेंगे। बट रो टू में आ गए और कॉलम वन, तो V21, V22, रो टू कॉलम थ्री, रो टू कॉलम फोर। सिमिलरली रो थ्री कॉलम वन, रो थ्री कॉलम टू, रो थ्री कॉलम थ्री, रो थ्री कॉलम फोर। उसी तरह जैसे हमने 11th 12th में पढ़ा था कि कैसे हम लिखते हैं कोई मैट्रिक्स को, तो ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये एंट्रीज हो गई। अब हमें इसका ए ऑफ जी निकालना है। ए ऑफ जी बेसिकली क्या होता है, जो उसकी आई जे एंट्री होती है ना, तो नंबर ऑफ वर्ट एजेस ज्वाइनिंग वर्टाइसिस V1 to V1। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग वर्टाइसिस फ्रॉम V1 to V2। तो वो हमें करना है। सबसे पहले देख रहे थे नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V1। नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V1 कोई एजेस है ही नहीं क्योंकि यहाँ लूप ही नहीं है, लूप नहीं है तो इसलिए कारण यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब दे बोला है नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V2, नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V2। मुझे यहाँ पे एक ही एज दिख रहा है इसलिए मैं लिखूंगा वन। नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V3, मुझे एक ही एजेस दिखा बस V1 to V3 ज्वाइन करने के लिए, यही एक एज है इसलिए वन। नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V1 to V4, एक ही एज दिख रहा है तो इसलिए वन आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V2 to V1, वन आ जाएगा। V2 to V नहीं है इसलिए जीरो आ गया। V2 to V3 अगेन वन। V2 to V4 वन, ठीक है। और उसके बाद फिर से आ जाएगा नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग V3 to V1, वन। V3 to V2, वन। V3 itself नो लूप हेंस इट कम जीरो। V3 to V4 अगेन वन। सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं, तो वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे V1 to V2 अगेन वन, फिर वन एंड जीरो। तो ये हो गया हमारा एजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर लूप होता ना तो यहाँ पे वन आता, यहाँ लूप ही नहीं है इसी कारण सारी डायगनल एंट्रीज क्या हो गई, जीरो। तो नोट करने वाली बात ये एक है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है, अगर वो सिंपल ग्राफ है, देखिए यहाँ पे सिंपल ग्राफ है, तो हमेशा उसकी एंट्रीज होगी वन या फिर जीरो होगी। और ग्राफ है सिंपल है, नो लूप है, डेफिनेटली नो लूप है, तो जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे ना, डायगनल एलिमेंट्स, दिस डायगनल एलिमेंट्स, ये हमेशा जीरो होंगे, इसलिए यहाँ पे जीरो एलिमेंट्स आए क्योंकि इसमें लूप्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडजेंसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन।